भारत पाकिस्तान के मुकाबले में हो गई सट्टेबाजी। सरेआम पाकिस्तानियों को जुआ खेलते पकड़ा गया। कसीनो में पाकिस्तानी अधिकारियों की अय्याशी, मच गया बवाल। अब तगड़े एक्शन की तैयारी है। भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से एशिया कप में मुकाबला खेला जा रहा है वो बेहद ही शानदार और लाजवाब है। लेकिन इसी बीच अब एक बार फिर से बवाल मच गया है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे जो कि सट्टेबाजी तक के भी संकेत दे रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान टीम के मौजूदा मीडिया मैनेजर उमर फारूक कल्सन और बोर्ड के GM अदनान अली का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों अधिकारी कोलंबो के कैसीनो में गए हैं। दोनों अधिकारी मौजूदा एशिया कप के लिए पाकिस्तानी दल के हिस्से के रूप में कोलंबो में हैं। बताया जा रहा है कि दोनों को कैसीनो में जाने पर ICC की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर कई पाकिस्तानी फैंस ने सवाल उठाया है कि PCB के अधिकारी इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं कि जुए में शामिल हो जाएं। रिपोर्ट में PCB सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि कम से कम 15 से 20 PCB अधिकारियों ने कोलंबो और लाहौर के बीच यात्रा की थी, जबकि कुछ स्थायी रूप से वहां थी, क्योंकि पाकिस्तान एशिया कप का ऑफिशियल मेजबान है। वहीं कुछ पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स में खबरें चलने के बाद कैसीनो के अधिकारियों ने बाद में सफाई दी। उन्होंने कहा कि वो कैसीनो में केवल डिनर के लिए गए थे। हालांकि इस दावे का सोशल मीडिया पर मजाक बनाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि कैसीनो में खाना खाने कौन जाता है भला। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान के अधिकारियों की हरकत की वजह से बवाल मच गया है और अब उन पर एक्शन की मांग हो रही है, क्योंकि बीच टूर्नामेंट में वो जुए में शामिल हुए हैं। अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन किया है और बात सट्टेबाजी तक की नजर आ रही है, इसीलिए अब इन अधिकारियों पर एक्शन की तैयारी है। वहीं ये सब बवाल देखकर पाकिस्तानी खिलाड़ी मोइन खान ने भी टूर्नामेंट के दौरान कैसीनो में जाने को गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर बताकर क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 2015 वर्ल्ड कप के दौरान वो अपनी पत्नी के साथ डिनर के लिए गए थे, लेकिन तत्कालीन PCB के अध्यक्ष शहरयार खान ने साफ कर दिया था कि मोइन ने टीम और आचार संहिता का उल्लंघन किया और कैसीनो गए। फिलहाल अब देखना होगा कि पाकिस्तान के अधिकारियों पर क्या कुछ एक्शन होता है। वहीं टूर्नामेंट की बात करें तो उस वक्त एशिया कप में लगातार बारिश की वजह से मुकाबला ठीक से नहीं चल पा रहा है। भारत पाकिस्तान का भी मुकाबला बारिश की वजह से बाधित रहा। इसके बाद रिजर्व डे में मुकाबला खेला जाएगा, उससे पहले ही बवाल मच गया और पाकिस्तानी अधिकारियों की हरकत की वजह से अब मामला गंभीर हो चुका है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है। वैसे पाकिस्तानी अधिकारियों का कैसीनो में पकड़ा जाना या फिर उनकी सट्टेबाजी की इस हरकत पर आप उनको क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? क्या उन पर एक्शन होना चाहिए या फिर उनको छूट दे देनी चाहिए? इस पर आपकी राय क्या है? आप अपनी बेबाक राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एशिया कप और वर्ल्ड कप से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स और खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। फेसबुक पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। अगर आप यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।